नहीं है, आप लोगों ने बताया भी नहीं है मेरे को, अभी नहीं लिया। जो पटवारियों का मेरे को बताइए आप, आज क्या हुआ है? कम कराए शुरू से ना, एक पटवारी आपका गांव छाणी का जो मेरे पास आ रहा है, शब्बीर मोहम्मद, जिनका पटवारा हल्का है बरबोधनिया, इंतकाल नंबर 223, खातेदार जगन्नाथ जी की मृत्यु वर्ष 1999 में हुई और उसके बेटे की मृत्यु भी हो गई 2004 के अंदर, इंतकाल भरा गया है 7/8/14 को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, कोई भी पटवारी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। एक दूसरे हैं ललिता त्रिवेदी, पटवारा का विराट ग्राम कानेला, इंतकाल नंबर 3, खातेदार की मृत्यु दिनांक 19/12/92 और इंतकाल हुआ है 3/4/2014, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कलेक्टर से कहना चाहती हूँ, पटवारियों से सबसे कहना चाहती हूँ, आप लोग सबको जिस जनता की सेवा करने के लिए भर्ती किया गया है उस जनता की सेवा करना जरूरी है। ये जो सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम है, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हम लोगों ने फरवरी के महीने में भरतपुर के साथ शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मेरे से यह कहा कि आप लोग तो खाली ये नाटक कर रहे हो, ये यात्रा जो संकल्प यात्रा हुई थी उसके अंदर आप लोगों ने बार बार जो मेरे को बात कही उससे मेरे को ध्यान आया कि सिर्फ 6 चीज है जिससे आप चिंतित हो और फिर जो भी आपकी चिंता है वो यही है, बंदूक की लाइसेंस है, जो आपका ये इंतकाल खोलने की बात है, जो आपके मृतक परिवार की जमीन को चेंज करने की बात है, ये सब छोटी छोटी बातें वो सब आपके जिस क्षेत्र के अंदर होती हैं मुझे समझ में नहीं आता उनको 20-20 साल 14-14 साल क्यों लगते हैं। इस चीज को बदलने के लिए मुख्यमंत्री को नहीं आना चाहिए, इस चीज के लिए सरकार को नहीं आना चाहिए, पर तो हम लोगों ने तय किया कि अगर यह व्यवस्था इतनी चरमरा गई है तो एक दफा गांव में जाना पड़ेगा, गांव वालों के साथ मिलना पड़ेगा और इस चीज को बदलने के लिए पूरी कोशिश हम लोगों को मिलकर करनी होगी। मुझे याद है और मैं बार बार इस चीज को कहती हूं, मोदी जी ने भी इस बात को कहा था आपको 15 अगस्त के दिन, उन्होंने यह कहा कि आप लोग सब जब आपसे पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा में आए हुए, अगर जनता की सेवा में ही हम लोग आ रहे हैं तो वो नौकरी के हिसाब से नहीं गिना जाता, अगर वाकई में हम सेवा करने आ रहे हैं तो हम जनता की तैयारी में आएंगे, जनता का काम करेंगे, चाहे हम कलेक्टर हैं, चाहे हम तहसीलदार हैं, चाहे हम पटवारी हैं या और भी किसी किस्म का अफसर है, हमारा काम है जनता के पास जनता के काम करने का, और अगर वहां हम फेल हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हम जो काम के लिए सरकार में आए हैं वो हम काम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये अच्छी बात नहीं। इतनी संख्या, मैं सब अफसर लोगों को कहना चाहती हूं, पहले देख लीजिए घूम के, इतनी संख्या आई है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आई है, अब आप मेरे को आके बाद में कहोगे साहब वो तो आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, ये आए हैं क्योंकि ये जन सुनवाई का कैंप है और उनको मालूम है कि हम लोग यहां आएंगे, इसलिए इतनी संख्या में आए हैं कि मेरा कागज कोई तो सुनो, मेरा कागज कोई तो देखो। मैं ये भी जानती हूं कि रस्ते में मेरे को रोका है, यहां अफसरों से मिले हैं, मैं इनके आपके बीच में जाऊंगी तो एक एक कागज ही नहीं उसकी 3-3, 4-4, 5-5 कॉपी डर के मारे देते हैं कि मालूम नहीं कब आएंगे, सबको दे दो, जो भी हो सकता है कोई ना कोई तो हमारी बात सुनेगा। आज ये स्थिति है जनता की, ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं अरे साहब हम तो इनके सेवक हैं, काहे को मजाक करते हैं, इस जनता के साथ मजाक करने का काम मैं समझती हूं कि अब समय आ गया है कि इसको खत्म करके, और अगर हम अपने अपने हलके को ही संभाल लें तो इस जनता को डोले डोले मारे मारे फिरने की जरूरत ही नहीं होगी। आज उसकी शुरुआत हम लोग करने आए हैं।
अगर डॉक्टर लोग अपने उसको संभाल ले, मेरे को क्या छह चीजें मिली? सबसे पहले मिला मेरे को कि बिजली, पानी, सड़क, ये तीन चीज हमारे पास अभी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद मिला कि डॉक्टर सही तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं, और उसके बाद मिला कि स्कूल में टीचर आते नहीं है, और उसके बाद सब लोगों का यह था कि भाई हमें रोजगार का इंतजाम करिए। मैं सबसे पहले कल कहना चाहती हूँ कि मैं डूंगरपुर को शाम को जब गई थी और मुझे मालूम किया मैं सागवाड़ा हॉस्पिटल में जाऊंगी, तो ये दो अस्पताल ऐसे अस्पताल हैं जो बिल्कुल चकाचक मेरे को मिलेंगे, बिल्कुल चकाचक मिलेंगे, मुझे मालूम है। और मैं जब डूंगरपुर कल रात को गई तो मैंने सोचा कि मैं अचानक जा रही हूं ऊपर, यहां तो कुछ अचानक होता ही नहीं है, सबको एक दिन दो दिन पहले मालूम ही पड़ जाता है कि कौन क्या करने वाला है। तो मैं जब वहां पहुंची सोचा कि मैं कहूं देखूं कुछ ना कुछ मिलेगा, पर ऐसा धोखे तैयार कर दिया था। तो मैंने डूंगरपुर वालों को यही कहा कि मैंने कहा मेरी वजह से अगर आपने आज इस अस्पताल को इतना सुंदर बना के रखा है तो क्यों नहीं रोज कर सकते, ऐसा क्यों नहीं रोज कर सकते। मैंने पूछा कि मेरे को ये बताइए कितने डॉक्टर हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहेंगे कि चार है, तीन है, पांच है, 21 डॉक्टर हैं। मैंने कहा वाह रे वाह भाई, अगर 21 डॉक्टर आप ढूंढ के ले आए हो डूंगरपुर के हॉस्पिटल के अंदर, इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया वाला जो नहीं मिलता है नॉर्मली। अभी मैं आपके यहाँ भी चेकअप करने वाली हूँ, क्या है यहाँ की स्थिति, पर यहाँ की स्थिति तो अलग ही है क्योंकि सागवाड़ा एक अलग लेवल में है, तो अलग लेवल हॉस्पिटल के लेवल में तो अलग ही है। फिर हमारे बच्चों ने कहा जहां जाती हूँ ये लोग कागज, क्या हुआ नौकरी चाहिए नौकरी? अरे नौकरी के लिए मैंने आपको वादा किया है, आने वाले समय के अंदर हम 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये 5 साल का वादा है। पर 5 साल का वादा है भैया, 5 महीने का नहीं है, और इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी है। जो हमको विरासत में सरकार मिली है उसकी ये हालत है, जो अगर 5 साल अपन बीच में होते तो होती नहीं, ये हालत है जिसका सब पूरा सफाई करने के अंदर ही हमको ये 8-9 महीने लगे हुए हैं। शुरुआत हमको पहले दिन से ही करनी थी, हम उस तैयारी से आए थे। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूं कि मैंने वादा किया है, मैं आपके सामने भीख का कटोरा लेके नहीं खड़ी हूं, ना मैं आपको कह रही हूं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, है या नहीं है ये आपका कोई मतलब नहीं है, मैं करके दूंगी ये आपका मतलब है। और पर मैंने सबको कहा कि भैया आपको धैर्य रखने की जरूरत है, आ गए तो साहब 8 महीने हो गए, 8 महीने में सोच लिया आपने क्या हुआ है, 8 महीने में 2-2, 3-3 तो इलेक्शन निकल गए, फिर इलेक्शन आ गया, हमें लगे ही थे कि फिर उसी में इलेक्शन आ गया। किसी ने कहा कि भैया उदयपुर का दौरा आप खत्म कर दीजिए और अब इलेक्शन में जाइए, मैं नहीं खत्म करने वाली, मैं शुरू किया उदयपुर का दौरा खत्म करूंगी, फिर मैं जाऊंगी इलेक्शन में, उसके पहले नहीं जाने वाली। इलेक्शन का हुआ, विधानसभा भी आ गया, इस बीच में 2 ऐसे कार्यक्रम हो गए, आपका भरतपुर का हो गया, आपका बीकानेर का हो गया, ये तीसरा कार्यक्रम आपका हो रहा है। और तीसरे कार्यक्रम पर मैं जब आई तो मेरे को लोगों ने कहा साहब हम तो इतने थक गए हैं, मंत्री ऑफिस में बैठ नहीं पा रहे हैं, सरकारी अफसर ऑफिस में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इतने थक गए हैं थोड़े दिन के लिए। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं इस सड़क को बंद करूं थोड़े दिन के लिए, तो मेरे पास आए लोगों ने कहा कि साहब अगर ये पहिया जो बहुत मुश्किल से चल पड़ा है, अगर इसको अगर आप यही थाम देते हो तो आगे चल के ये समझना कि फिर इसको चलाने में बड़ी मुश्किल लगेगी, इसलिए करना तो करना ही। और इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं ये एक दफा ही नहीं, अभी पूरे के पूरे जो संभाग है उनको तो पूरा करना ही है, और हो सकता है कि मैं एक बार और इसको करूं और फिर आ जाऊं, क्योंकि ये पहिया चलना है तो चला के रखना है। और मैं सबको कह दिया कि ये काम धीरे धीरे चालू होगा, हो सकता है कि अगले वर्ष तक आप उसको पूरी तरह से देखोगे, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि आपके कागज ऊपर तक नहीं आए वो स्थिति आप यहां तक लाएं। फिर मैं सब बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूं कि देखो 15 लाख नौकरियां तुमको मिलने वाली है, पर 8 लाख आज सरकारी कर्मचारी, हर एक आदमी को हम सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकते। और फिर कोई आदमी सरकारी कर्मचारी बनना चाहता क्यों है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को तो काम है सेवा का। एक तरफ तो 10 लाख लोग जिसमें हम भी हैं जो आपका तनख्वाह लेते हैं, अधिकारी हैं जो आपकी तनख्वाह लेते हैं, कर्मचारी हैं जो आपकी तनख्वाह लेते हैं, वो एक तरफ, और एक तरफ 7 करोड़ जनता राजस्थान की,
मैं देख रही थी कि कितना पैसा आता है, तो टैक्स वगैरह में जो हम इकट्ठा करते हैं वो करीबन 55,000 करोड़, और सिर्फ हमारी तनख्वाह में, सिर्फ हमारे लोन जो लिया हुआ है उसके ब्याज में, सिर्फ हमारे पीएफ के अंदर करीबन 53,500 करोड़ 54,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च होता है। थोड़े से और हो गए ना तो बेचारी जनता के लिए कुछ नहीं बचेगा। आज 100 में से 3 रुपए जनता के पास पहुंच रहा है, कितना कितना 100 में से 3 रुपया जनता के पास पहुंच रहा है। क्यों मैं ये कह रही हूं कि अगर हम लोग सेवा के लिए आए हैं तो जनता तक उसका पैसा पहुंचाएं और सही तरीके से जनता को जो जनता का है उनको दें, तभी मैं समझती हूं कि वो श्रेय प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। मैंने विधानसभा में यह कहा और मैंने सबको कहा कि आप 10 साल के लिए, ये 5 साल तो 5 साल को जरूर, अब ये झगड़े फसाद छोड़ो, 5 साल और 10 साल के लिए ये जातिवाद छोड़ो, 5 साल और ये 10 साल के लिए मजहबवाद छोड़ो, 5 साल के लिए ये आपका जो वाद है वो खत्म करो, ये झगड़े खत्म करो, ताकि हम लोग सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाएं। राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा तो आप लोग कहीं नहीं जा सकते, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रही हूं। ये हम सब करने को तैयार है भाइयों, पर हम आपकी मदद की जरूरत है। अब मैंने कई बजट में इनको टैक्स किया तो ये बोले मेरे को नहीं भाई उनको कर दो, या इनको किया हमको नहीं उनको कर दो। मैंने सबको कहा, सुराज संकल्प यात्रा में भी कहा कि 2 साल आपके मेहनत के होंगे, हो सकता है कि आप सबको कमर कसना पड़ेगा, 2 साल सबको कमर कसना पड़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। क्या 2 साल के लिए हम सब कमर नहीं कस सकते? क्या हम इतना अपने राजस्थान और अपने सुख के लिए नहीं कर सकते? आज मैं, ये तो मेरे को रोज कहेंगे लोग कि भैया राजनीतिक के लोगों को ऐसी भाषा बोलनी नहीं चाहिए, पर ये राजनीतिक नहीं है, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के भले के लिए मैं आज आप सबको कह रही हूं कि ये झगड़ा फसाद खत्म करिए। सब कर्मचारी ये सोचिए कि हम इस जनता के कर्मचारी हैं, इनकी सेवा के लिए हम यहां आए हैं। हम सब, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अफसर हो, और चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, सब लोग ये तय करें कि हम राजस्थान की सेवा के अंदर अगले 5 साल के अंदर सिर्फ काम में लगेंगे, ताकि हम अपने प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बना सकेंगे, सबसे आगे उसको पहुंचा देंगे और हमारी जनता तक उसका काम, उसका लाभ पहुंचा सकेंगे। मंजूर मंजूर है क्या? तो साहब मेरे कर्मचारी भाइयों से पूछ रही हूं, मंजूर है क्या? कोई सड़क पे नहीं आ सकेगा साहब, कोई भी सड़क पे नहीं आ सकेगा। सब लोग ये जनता के लिए तैयार हो ना, तैयार हो कि नहीं? सुनो, बोलो बोलो जोर से, यस। जनता के लिए तैयार है कि नहीं है? है, है। नहीं तैयार जनता के लिए? या तो फिर उनको करना पड़ेगा, फिर सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको मिलके साथ ले जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को भी करना है, आपको भी करना है, सबको मिलके करना है। करेगा करेगा, चिंता मत करो, करेगा, सब करेगा। आप क्यों दुखी होते हो? मैं कह रही हूं मैं आगे आगे चलूंगी, सब करेंगे, चिंता मत करो, सब करेंगे। आप विश्वास रखो, अपना प्रेम रखो, सब लोग अपने साथ लगेंगे। ये मेहनत हम कर इसलिए रहे हैं कि यह बदलाव आए। हम मेहनत कर रहे हैं कि दूसरे भी तो मेहनत करेंगे भैया, ऐसे क्या की चिंता करते हो? सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, अगर आप धैर्य रखो, अभी एक एक के पास आके जिस जिसके कागज ले सकती हूँ मैं वो कागज ले जाऊंगी, और जिनको यहाँ अपन निपटा सकते हैं उनको यहाँ निपटाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो निपटाने की कोशिश तो करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।